यदि आप लोग ने कभी माइक्रोवेव में दाल को कुक करके नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ये तरीका ज़रूर अपनाएगा। माइक्रोवेव में जब हम दाल बनाते हैं ना तो एकदम परफेक्ट तरीके से दाल कुक होती है, ना तो ओवर कुक होती है और ना ही अंडर कुक होती है, बहुत अच्छी तरह से कुक होती है। जब हम गैस में जो दाल है होती है उसको जब कुक करते हैं ना तो वो ज़्यादा कुक हो जाती है, एकदम सूप सूप जैसी हो जाती है, पर माइक्रोवेव में ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह से जो दाल होती है वो कुक होती है और उसका जो टेस्ट होता ना कुछ अलग ही टाइप का इसका टेस्ट आता है। तो एक इस वीडियो को देखने के बाद माइक्रोवेव में दाल को कुक करके जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और माइक्रोवेव में किस तरह से दाल को कुक करना है वो आप लोग के संग शेयर करती हूँ। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम माइक्रोवेव में जो दाल कुक करने वाले हैं वो है अरहर की दाल। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी अरहर की दाल ले ली है और अब इस दाल को हमें पानी से धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, जिससे इसमें जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो हमेशा आप लोग जो दाल बनाते हैं ना तो उसे एक बार धो के इसका जो पानी है वो ज़रूर निकाल दीजिएगा। तो ये देखिए दाल हमारी धुल चुकी है। अब इस दाल को हमें सोख करके रखना है कम से कम आधा घंटे के लिए। यदि आपने इस दाल को सोख नहीं किया ना तो माइक्रोवेव में आप इस दाल को अगर एक घंटे भी कुक करेंगे ना तो ये कुक नहीं होगी। तो इसे आप आधा घंटे के लिए इसी तरह से पानी में छोड़ दीजिएगा। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं हम इसमें, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टमाटर चॉप किया हुआ। और अब हमें क्या करना है, इसको ना ढक के कुक करना है माइक्रोवेव में। जब भी आप माइक्रोवेव में दाल को कुक करें हमेशा दाल को ढककर ही कुक करिएगा। तो ये रहा मेरा माइक्रोवेव। तो ये है मेरा LG का चारकोल माइक्रोवेव, लेकिन अदर्स माइक्रोवेव में भी आप सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को रख दिया है। अब मैं यहाँ पर माइक्रोवेव का जो माइक्रो मोड है वो सेट कर देते हैं और टाइम हम यहाँ पे 25-30 मिनट्स का सेट करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि दाल को कुक होने के लिए माइक्रोवेव में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। हम गैस पे जल्दी जल्दी से तो जो दाल होती है वो कुक कर लेते हैं और उसमें जो टेस्ट होता है फिर वैसा नहीं आता, लेकिन माइक्रोवेव में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर 25 मिनट्स करीब हो चुके थे। तो अब मैं दाल को चेक करती हूँ कि दाल अच्छी तरह से कुक हुई है कि नहीं हुई। ये देखिए हमारी जो दाल है बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है और इसका देखिए जो पानी है काफ़ी हद तक सूख गया है। एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप माइक्रोवेव में दाल कुक करते हैं तो उसे एक बार आप चेक करिएगा। यदि आपको लगे कि आपके जो दाल का पानी सूख गया है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मेरी जो दाल का पानी काफ़ी सूख गया था और मैंने दाल को अच्छी तरह से दबा के भी देख लिया है, दाल अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब चम्मच की सहायता से हम इसे इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं जिससे दाल एक दूसरे से अच्छी तरह से एक दूसरे में लपट जाएगी, नहीं तो फिर क्या होता है ना फिर अलग अलग रहती है दाल। तो इस तरह से देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। जितनी आपको पतली दाल रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आधा कप करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब दाल तो हमारी कुक हो गई है लेकिन इसका जो टेस्ट होता है उसको बढ़ाने के लिए हमें इसमें देना पड़ता है तड़का। तो तड़का चाहे तो आप माइक्रोवेव में दे सकते हैं या गैस पे भी दे सकते हैं। तो मैं माइक्रोवेव में ही देना, माइक्रोवेव में कैसे तड़का बनाते हैं वही आप लोग यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी रेसिपी आज जो माइक्रोवेव है वही वाली शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, राई और मैं थोड़ी सी सूखी जो लाल मिर्च होती है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें कटा हुआ लहसुन हम इसमें ऐड कर देते हैं और अब मैं इसमें थोड़ी सी जो कटी हुई प्याज होती है उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है जिससे ऑयल है जो सारी चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसे रख देते हैं माइक्रोवेव में और अब हम माइक्रोवेव का फिर से माइक्रो मोड सेट करेंगे। पावर हम हाई ही रखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइम लगा रही हूँ 3 मिनट का। 3 मिनट में जो हमारा तड़का है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, यदि आप लोग को माइक्रोवेव में तड़का तैयार नहीं करना है तो आप इसी दाल को गैस पे भी तड़का दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं तड़का को निकाल लेती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको माइक्रोवेव में किस तरह से तड़का तैयार होता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से 3 मिनट में जो हमारा सारा तड़का अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं दाल में और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। अब हमें दाल को एक बार फिर से माइक्रोवेव में रखना है क्योंकि दाल हमारी ठंडी हो गई थी इतनी देर में। तो हम इसको एक बार फिर से माइक्रोवेव में रख देते हैं जिससे दाल हमारी अच्छी तरह से गर्म भी हो जाएगी और जो तड़के का जो फ्लेवर है वो पूरी दाल में अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो हमने दाल को रख दिया है माइक्रोवेव में। अब फिर से हमें माइक्रोवेव का माइक्रो मोड सेट कर देना है।
पावर हम हाई ही रखेंगे और टाइम लगा देंगे 2 मिनट का। 2 मिनट में जो हमारी दाल है अच्छी तरह से गर्म भी हो जाएगी और उसका जो तड़के का जो फ्लेवर है पूरी दाल में अच्छी तरह से मिल जाएगा। बहुत आसान तरीका है इस तरह से दाल को माइक्रोवेव में बनाना। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो दाल है वो कैसे तैयार हुई है। ये देखिए हमारी एकदम दाल बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं और ये खाने के लिए हमारी जो दाल है एकदम बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी के संग खाइए, चावल के संग खाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हैं आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।